अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं गर्म हमाम। ये हाल है जनाब, आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अभियान सुनिया मौलाना फजलुर रहमान दा? हाँ जी, मौलाना ने ये फरमाया है कि कम से कम एक साल का उबूरी सेटअप आ रहा है और मैं महसूस करता हूँ कि साल से कुछ तजावज ही करेगा। क्यों जी, तजावज क्यों करेगा? तजावज इसलिए करेगा कि नई हल्का बंदियां हो रही हैं, सीटों में इजाफा हो रहा है और ये सारा काम करने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 साल दरकार हैं। और सर, इस दफा हल्का बंदियां अपनी मर्जी की नहीं बनेगी? जी जी, जिस तरह एक एक हल्के में अपने 10-10, 20-20 हज़ार वोट और वो जाली वोट प्लांट किए गए थे, अब एक तो इन सब की भलसफाई होगी, नई हल्का बंदियां होगी और नई इंतखाबी इस्लाहात आप देखेंगे। और ऐन मुमकिन है कि इसी इलेक्शन में आपको बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस करना पड़ जाए। और पाई राजा, बड़ा बंद मुठियर का मुंह तेरा। हाँ सर, रिलैक्स। ये कौन सा क्या हो रहा है यार? यार मान साहब आन के बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है? बैठ जा के, मेरी इज्जत नहीं तेरी को धो देनी। ख्वातीन हज़रात, आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं। ये अमानुल्लाह के कुछ शहदाई हैं, इनकी शक्ल भी अमानुल्लाह जैसी है, हत्ता के अपने आप को कहते भी अमानुल्लाह है, लिबास भी उन जैसा। और आप सेक्रेटरी हैं इनके? जी मैं सेक्रेटरी हूँ, ये खुद अमानुल्लाह साहब हैं। और कौन? किंग आफ्टर कॉमेडी। और किंग आफ्टर नहीं होता है। अच्छा, लैन उन्हें पूरी बोली है और तपश ना लव सड़ गए। अच्छा, तेरा गेटअप सीनियर नाइया वाला है। मसालियां दी गल कर मेरा पुत्र अपना, फिर ते यहूदियां दी टोपी मुछा तेरी पुलाव पकाउण वाली। नहीं भाई, ये वैसे बात बड़ी काबिले तारीफ है कि आप वाकई अमानुल्लाह लगते हैं। हाँ, अल्लाह की शान देखो, कितों आन के कितने बह के मैनू नहीं पहचान दे। आप रिलैक्स हो जाए, आपको पता है दिते सन 2 किलो दही लाया इनके लैन दी। ओफो राजा साहब, ज्यादा देर मान साहब नहीं बैठ सकते। अच्छा, मानुल्लाह नहीं है, अमानुल्लाह नाम है। वही वही अमानुल्लाह। अच्छा ये बताएं, इनका नाम क्या है? इनका नाम अमानुल्लाह जनाब। मैं तारीफ करो, आगे सन मुसीबत पाई है। किड्डे तुम सही हो, अमेरिका तो पढ़े हो, कैनेडा दिन धुप्पा च रुले हो, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़े हो, इन्हू नहीं पछाण दे। बहुत यार, वैसे मैं कहता हूं 40 साल तो मैं कॉमेडी करने वाला, अमीर आदमी से रोटी। 100% अमानुल्लाह। वाह वाह वाह। अगर इसका मिमिक्री का और लुक अलाइक परफॉर्मेंस का कोई नेशनल अवार्ड होता तो इस शख्स को। भाई जान, नाम तो बता दें अपना। ओफो आफी साहब, क्या कर रहे हैं? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, कैसे बताऊँ आपको? सेहत माने ना, खब्बे आदि चपेट मारेगा। बैठे मैं बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी जो इंसल्ट मैं नहीं बर्दाश्त कर। अच्छा, और दोनों बैठे ना जरा, जरा उड़े हो आ गया, किड्डा के समझदार होना। बैठ आफ्ताब साहब जी, को खुदा रखो, आपको शुक्र को अल्लाह का, करोड़ करोड़ इतने आ गए हो। इतने तू उड़े वाली बात खलोते ही आते थे तो खलोते ही जाते थे। सीट नहीं सी मिलती, किसी ने कहना बह जाओ, नहीं मैं मुड़ बह के थक गया तो मैं मुड़े तो सीधा तो सीट नहीं मिलन दी। किराया पूरा देना तो सीट मिलनी ना, तो वड्डी बाजी के मुंह वाले। अच्छा भाई, बात सुने सेक्रेटरी साहब जी, जी ये आपके बॉस हैं? और मैं बांध रखे है। यार एक पेंसिल मिल जाएगी है कि पाया जे? पैसे नहीं देगा, ये दोनों बांट लेंगे। तो मेरे को वादे पैसे लेनी, मेरी इज्जत बनाए थे। आपकी बना रहा हूँ, आपकी खासा बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मानुल्लाह साहब की बोली बोलने अगले जसूस समझ के भाग जाएंगे। अच्छा भाई, मुझे लगता है कि इसने लिबास भी अमानुल्लाह वाला पहना हुआ है, या आपने उनसे लिया है या बनाया उसी तरह का? किथों का बंदा केड़ा लफ्ज बोल रहा है उनसे? और यार किथों का क्या मतलब? उकाड़ा क्या कुछ जंगल है? उकाड़ा शहर है चंगा पला। मैं रावी दे पिंड की गल कर, रावी दा पिंड इतनी शानदार जगह, मैं कहता हूँ रात के पिछले पैर भी चले जाए कुछ नहीं होगा, उसे दिन के टाइम कुल्फी वाले लुट लेते। ऐसे तुमने इतना बदनाम कर रखा है रावी के इलाके को, याद रखना अगर तुम उधर गलती से भी चले गए ना तो तुम्हें पकड़ लेंगे। यार इस बंदे की मैं समझ नहीं आऊंगी, किस गल का क्रेडिट लेना चाहूंगा? एक जंतरी ईजाद की थी भाई, तुसी लालटेन तुसी बनाई थी। मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त, इहदा वास नहीं चलदा कि माने इत्थे आण के अखबारां च दे देवे कि शाही किले दा आर्किटेक्ट मैं। मैं अगर ये लुगवियात बर्दाश्त कर रहा हूं ना तो सिर्फ इसलिए कि आपने गेटअप कर रखा है,
हमारे लेजेंड अमानुल्लाह वाला लघुवियात है हकीम बनने का भी शौक है ये हकीम ने अगले नु चौंसा मना कर देना ओदी अंब फड़ के घर ले लेने यार ये बंदा बाज नहीं आएगा और ये फजूलियात बंद करो अपना गेटअप चेंज करो असली गेटअप में आओ ओ भाई असली गेटअप में है क्यों नहीं मानते आप क्यों नहीं मानते अमानुल्लाह साहब है ओ विंगे खुसरे पुत्र वड्डा ट्रक जा रहा उन्हें पिछे उर्दू च पंज लिखिया भी उस तरह की शक्ल तेरी तुझे काम सीखन डे या गा के तेरा बाबा ही चुप करके बहो कर दी तुम भी अच्छा खोल के बोल पुत्र मुंह अल्लाह ने देता है तो खोल के बोल अल्लाह खोल अच्छा ज्यादा बदतमीजी ना करो और बैठ जाओ यहाँ पे आप मुझे कह रहे हैं और किसे कह रहा हूँ मेरी ती घर जाओ मेरा पुत्र देखे आप बड़े मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ तू बाजी फीदी थी नहीं अच्छा यार ये वाकई तुम्हें भी अमानुल्लाह नहीं लग रहा झूठ बोल रहे हैं कहीं से अमानुल्लाह नहीं लग रही है सर हमें भी नहीं लग रही है नहीं लग रहे नहीं लग रहे अगर आप वाकई हैं तो कोई जुगत करके दिखाए हम जैसी अमानुल्लाह का मतलब ये नहीं कि वो बस ऐसे ही शुरू हो जाए जुगत जुगत करने इसमें कोई शक नहीं कि सब कॉन्टिनेंट ने अमानुल्लाह से बड़ा कॉमेडियन पैदा ही नहीं किया बहुत बड़ा लेजेंडरी कॉमेडियन और इस बंदे ने साबित किया कि बड़ा फनकार होने में बड़ा कॉमेडियन बनने बड़ा एक्टर बनने के लिए ना किसी तालीम की जरूरत है ना किसी यूनिवर्सिटी की ना किसी उस्ताद की ये वो लोग हैं जिनका उस्ताद सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा है ऑब्जर्वेशन इनसे बड़ी ऑब्जर्वेशन किसी कंप्यूटर की भी नहीं हो सकती फोटोग्राफिक मेमोरी और कंप्यूटराइज्ड मुशाहिदा है ये हो जाए बंदे मेहदी हसन की गजल लगी हुई ना रेडियो पे वो बंद करवा दे अच्छा अगर ये अमानुल्लाह होता ना तो इस बात को समझता है अप्रिशिएट करता है ये बाकी कूड़ है ये अमानुल्लाह चीमा है मैं सीरियसली एक बड़ी आम बात कर रहा हूँ कैसे बंदे का तरीका आप इज्जत करनी इस्ती करने वाले नाल बंदे रखे नहीं नहीं मैं जो इतनी आम बात बता रहा था कि और हम अमानुल्लाह साहब की बात करें साल मैं ताड़े कोल काम करके गए तुसी मैनूं पछाणदे नहीं वो अमानुल्लाह ने उसी तरह वाल काटने जिवें मेरे हुंदे सन यार इसने देखो टिंड भी उनकी तरह कर रखी भाई तू बाकी अमानुल्लाह खाए और तेरा बनवाई है अच्छा मेरा ख्याल था कि ये बंदा हमसे अप्रिसिएशन लेगा कुछ हमसे कोई नजर न्याज लेगा कोई इनाम लेगा लेकिन ये वाकई फजूल आदमी नहीं नहीं तुसी नजर न्याज ना देने वास्ते मेनू नहीं मनन दे कितने 10-20 हज़ार देना ना पैदे पुत्र बोल मेरी थी आप यकीन करें खुदा पाक की कसम ये अमानुल्लाह साहब तुम यहाँ बैठो इधर इधर हाजी साहब के पास बैठो अच्छा गल सुनो अपने भाई जी की तुहाडा नाम तू तो हर वेले परेशान की है की नाम है की नाम तेरी 70 तो उत्ते उम्र हो गई खुल के बोल तू तेरे पुत्र जवान ने जवाई तेरे मरने वाले हो गए ने देखो कैसे बोले चला जा रहा है चपट चपट जबान चलती है अच्छा ये बंदा किड्डा बदकिस्मत है हर चीज होने के बावजूद बेजार है लोग समझ रहे कि साड़ी बेइज्जती करता मैं कहना बेइज्जती नहीं करता किसी की हर गल तू बाजार में पूछे ना रोटी खानी ये वक्त है रोटी खाने का पेट्रोल डलवा के क्या करोगे फलानी शादी ते जाना क्यों जाना है वजह वो हमारी पे आए थे नहीं अमानुल्लाह साहब ही लगते हैं जी ये बड़ी गैर मामूली मुशाबत है सर हत्ता के मफलर तक उसका ले आया कहीं से मैनू अपनी मां की कसम मैं अमानुल्लाह अपने आपे की कसम जे मेरा वड्डा पुत्र जिहड़ा कस नहीं करदा मैनू ओहदी कसम मैनू सब तो छोटे की कसम है जिन्हें अजे कुछ करना है मैं हुणे पैसे घर दे के मैनू अपनी मरी मां की कसम अपने पांजे की कसम जो थाने बैठा है अच्छा जी हमें यकीन आ गया है कि वो बकरे मैं जो दो लिया ने वादे वड्डी कितनी दूर है अल्लाह करो बकरे मर जन जे मैं मामला नहीं ਲਈ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਔਲਾ ਲਾਇ ਖਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਬਣ ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਔਲਾ ਖਾਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਸਾ ਤੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 9 ਤੋਂ 11 ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਤੋਂ 11 ਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਥਾ ਆਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ सारी दुनिया ने बगाड़ के जाना बंदा घर बंदा है हर एक मुतका हर एक जो नहीं भी पढ़िया उन्होंने भी कहना रेडी वाले फड़ लेंदा मुझे पता कायदे आजम का असली नाम क्या था मेरा भाई अगे मेरा सौदा नहीं विकना मेरी जान छोड़ सानू शेर शाह सूरी का नाम लगा के डरा भी असं पुपी भी होनी उ
जो वाक्य सुनाएगा 4000 किलोमीटर दूर का सुनाएगा। वहां डेविड अरेबिया क्रेकी ट्राउन होता था, उसने एक बिल्ली पाली थी जिसका नाम जेडली फ्रेज। और किस तरह बोलता चला जा रहा है, निहायत फजूल आदमी। यह जो बंदे तुपे बह के किसी की मूली खान डे होंगे। हमारा शो हाईजैक कर लिया तुमने आके? हाँ हाईजैक कर लिए। बंदे नु कह भी कुछ नहीं सकता कि यदि किस्मत है साढ़े 3 मन चुकते 2 घंटे अल्लाह ने सजा दी। 8 दिन वर्जे छड़ दे मान ना सत्ता मरने जिदा जिसम हो जाए। लोग आ दुआ मंगने आफताब साहब ने बैठे ने जी सुते ना चाहे दुआ मंगने। हाँ यार थोड़ा शहद मिल जाएगा। अल्लाह दी शान अंदर केड़ा फोड़ा निकलिया तेनू। अरे कौन है बदतमीजिया बंदा? मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये कौन है यार। मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अमानुल्लाह बन के आ गया। अच्छा, और इसका ख्याल है कि मेरी मिट्टी पलीत करके ये मजीद अमानुल्लाह बन जाएगा। क्या बात है, अमानुल्लाह बनना को आसान काम है? बड़ा आसान काम है, 2 साल ना हो ना अमानुल्लाह तैयार है। अच्छा जनाब, मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ता हूँ, आप समझते हैं कि ये अमानुल्लाह? मैंने असली अमानुल्लाह के साथ 3 साल काम कर रखा है। वो अमानुल्लाह जिसके साथ मैंने काम किया है 3 साल, हाँ जी, वो सेहत की तरफ से पैदल था। ये अच्छा खासा मोटा आदमी है। कौन मोटा जी? आप और कौन? हेलो, मैं कपड़े पाए ना थले तक कपड़े ने मेरे। सेहतमंद हो? शुक्र। वो अमानुल्लाह सेहतमंद नहीं था? वो अमानुल्लाह जरूरतमंद था। ये बाबे नु लस्सी तो करंट पै जांदा। वैसे लस्सी में और खट्टी दही में करंट होता है। माशाल्लाह, अल्लाह तेन जिंदगी दे पाक परवरदिगार। क्या तेरे नुस्खे तुरे ने पाकिस्तान च? जूर गल्ला भी लोग आराम ना सुन रहे। मेरी गल वेची ना रह जाए। अच्छा, आप बात कर ली यार जल्दी से। मैं पूछना थी, बल्दिया टाउन वाला रौला फिर शुरू हो गया है? हाँ जी, वो हमाद सिद्दीकी पकड़ा गया है और दुबई से पकड़ कर लाए हैं इंटरपोल की मदद से। सर, अब बल्दिया टाउन वाला केस मजीद खुलेगा क्योंकि मरकजी मुल्जम अब काबू आया है। एक ही रौला जी। खैर ना, ये संजीदा गुफ्तगू हो रही है, ये कॉमेडी नहीं है। कि मैं म्याणी साहब हुआ हूँ फिर? कुतिन हजरात, बहुत सो को शायद ये मालूम नहीं है कि म्याणी साहब यहाँ का एक कदीम कब्रिस्तान है। और इसके साथ एक दिलचस्प बात ये मंसूब है कि तुर्की जबान में एक बहुत बड़े कब्रिस्तान को मजंग कहते हैं। अनपढ़ मुल्क के जो मुंह कहना लोग मनी जाते हैं। मजंग नू तो अनारकली कह दे, काला दियो कह दे, को काफ दा बांदर कह दे। राजा, हाँ, रेगमाल मिलेगा? पुत्र बचे थे लाए आ। पापा जी पानी नहीं आ रहा। पापा जी मैं तो घर डांग बोल रहा। वाकई लोग हमामों में रह रहे हैं, लोग मुसाफिर खानों में रह रहे हैं। पंजाब की सड़कों पर इस वक्त तक 5 बच्चे पैदा हो चुके हैं। ये आप उतरी है जल्दबाजी, बच्चे आराम नहीं पैदा हो सकते हैं। ये औरतों ने वैसे चैन नहीं कामना ने पीछे हमें जाना कि तेरे और रस्ते से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो बच्चे सड़क में पैदा होने नहीं तो वे हो क्या हाँ जो अड़ जाते हैं। राजा तेरा खाना खराब हो गए ते मुंडे भी आके तू टिंड करनी सी। हाल है कसरी है? ठीक है, तुसी सुनाओ? इधर आजा, अंदर बाहर लिए शैवा बैठियां। अहे जेड़ा मरण वाला बाबा उथे ही आ जांदा? हां जेड़ा तेरे ते मरण वाला है। देखो जे बुजुर्ग दो बारी प्रपोज करके फिर दुआवां देन लाग। आता से बैठे हो एक्टर नहीं लगदा, की नाम है ओदा? अमानुल्लाह। आहो अमानुल्लाह, ओ जेड़ा बड़ा वड्डा एक्टर है। हां जी, उसका काम आपने देखा? गल्ला छड़ो जी, तुसी ए जेड़ी दुकान ते बैठे हो ता दरवाजा कोई नहीं, इना बंद होंगी ना खुलती है। हाय मैं मर गई, तुस तो सच्ची मुची अमानुल्लाह ही हो। बैठो बैठो बैठो। माशाल्लाह 50 साल हो गए तुहानू काम कर दिया। काम कर दिया ते 68 साल दा मैं पहला सा। बाबा जी। जी जी। कोई साडे हक दुआ ही कर दियो। बड़िया दुआवां तेरे वास्ते, दुआवां अंदरों निकलदियां ने। ए वाकई अमानुल्लाह बे, इस हरकत तो मैनू भी लगन दिया। आफताब साहब पता लगा जे टमाटर दा रेट हेठा आ गया जे? हां जी, टमाटर सस्ते हो गए। ते पेट्रोल महंगा हो गया, 4 रुपये महंगा हो गया जे? पेट्रोल टमाटर का कोई कंट्रास्ट? क्या वाहियात कॉम्बिनेशन है। हाँ, हेलो वाहियात यार, बहुत ही बदतमीज है। तुसी वड्डी मस्जिद ते जाओ पाएं, उत्थे बड़े नेक बंदे ने, उत्थे रेस्ट करो जाके। अच्छा, बोर ना करो। अच्छे हो जे बंदे खरबूजा कट के वही बर्गर च रख के खांदे ने। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ भी।